राम राम गुरुजी, राम राम, राम राम, राम राम। क्या हरवा, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, उत्तम की चिट्ठी आई है, परसों से पगड़ी में घुसेड़ कर रखी थी, आपके पास आना ही नहीं हुआ। खत पढ़वाना चाहता है मुझसे? अरे तुम लोगों के खत पढ़ते पढ़ते मैं तो बूढ़ा हो गया हरवा। क्या लिखा है उसने, जरा पढ़ के तो सुनाइए। अरे खत लिखा है 10 दिन पहले। अरे ये कैसे हुआ और आपको कैसे मालूम हुआ? अरे खत पर तारीख लिख देते हैं, डाकघर की मुहर होती है उसमें तारीख होती है, पर तुम लोग अनपढ़ होने के वजह से तुम्हें ये समझता नहीं। नहीं तो खत कब लिखा, कब मिला, उसमें क्या क्या लिखा है, इसमें न समझने वाली बात ही नहीं, सब कुछ आसान होता है। ये तो सच है, पर क्या करूँ, स्कूल जाने के वक्त स्कूल नहीं गया और अभी आपके बोल देने से क्या फायदा, बैल गया और घोसला किया। अब ऐसा करता हूँ, ये खत में रख लेता हूँ, तुम्हारे और भी खत में रखता हूँ और तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाता हूँ, फिर तुम्हें लिखना पढ़ना आएगा और तेरे बेटे के सारे खत तू पढ़ सकेगा। अरे बाप रे, तब तक मैं मर जाऊंगा और सारी चिट्ठियां पढ़ने लड़का खुद यहाँ आएगा। जाने दीजिए गुरुजी, मजाक छोड़िए, चिट्ठी पढ़िए ना। हाँ, उत्तम निराश जरूर है, उसकी नौकरी की कोशिश जारी है पर अभी तक कुछ हुआ नहीं लिखता है। अभी आप ही देखिए गुरुजी, अपना उत्तम कितना होशियार लड़का था, आपने ही उसे बड़े प्यार से इतना लिखाया पढ़ाया ना। सच, उत्तम होशियार तो है ही और अच्छे मार्क्स से फर्स्ट क्लास बीकॉम पास हुआ। आप एस क्लास में या फर्स्ट क्लास में पास हुआ कहते हैं ना, पर काम कुछ भी नहीं, और आप हमें कहते हैं तुम सीखो। अगर पढ़े लिखे को नौकरी नहीं है तो हम सीख के क्या फायदा? आप यहाँ बैठे क्या बात करते, उधर पूरा गांव गणेश मूर्ति लाने गया, मैंने सोचा आप वहाँ गए होंगे शायद, फिर सोचा उत्तम का खत गुरुजी को दिखाया होगा, गुरुजी को ही पूछ लेती हूँ, इसलिए मैं आई, है ना गुरुजी? वो तो अच्छा हुआ, इसी कारण से आप दोनों लक्ष्मी नारायण हमारे घर में पधारे हैं। सुना गुरुजी क्या बोले, लक्ष्मी नारायण का मतलब समझे क्या? लक्ष्मी नारायण यानी मैं कड़क लक्ष्मी और तुम दरिद्री नारायण, है ना गुरुजी? नहीं नहीं मंजुला भाई, मैं ऐसे कैसे कहूँगा, पर आप खुद को इतना कम क्यों समझते, ये मेरे समझ में नहीं आता। कम समझते माने, हम जैसे हैं वैसे ही समझते हैं, घर में बैठा बेकार खुद को समझता साहूकार, ऐसे रूप का क्या फायदा? क्यों जी, आपकी बोलती क्यों बंद हुई? मैं अब नारो शंकर की घंटा बजने के बाद हमारी बकबक कहाँ और किसे सुनाई देगी? तुम दोनों मियाँ बीवी के झगड़े में मेरा सही पार्ट कौन सा, साक्षीदार पुलिस या कोर्ट? गुरुजी कहते हैं कि हमें भी पढ़ना चाहिए, अब आप ही देखिए गुरुजी, ये है अनपढ़ पर इतना रोब जमाती है, अगर थोड़ी भी पढ़ी लिखी होती तो क्या किया होता राम जाने। मंजुला भाई ने क्या किया होता वो मुझे मालूम नहीं, पर मैंने तो हाथी पर से शक्कर बाटी होती, ऊपर से गुलदस्ता देके सत्कार भी किया होता। गुरुजी फूल हार सत्कार की चाहत तो नेता लोगों को होती है, अगर पेट में भूख लगी ना तो फूल नहीं खा सकते, अगर हमें पढ़ा नहीं है ना तो 4 पैसे कमाने वाली शिक्षा दीजिए। चलो जी उठो। गुरुजी तेरी मंजिल तो सामने है पर दिखाई नहीं देती। मुझे कुछ कहा गया? हाँ तुझे और तेरे जैसे लोगों को भी, पर अभी कुछ नहीं, समय आने पर बताऊंगा। अरे भीमा आओ आओ, कहाँ था इतने समय, हाँ ये क्या फूल लाया? अरे मेरी पूजा हो गई, अच्छा रहने दे। ये देख भीमा, तू समझदार है मगर कम बोलता है, और जो समझदार नहीं उनकी तो बकबक चालू रहती है, मुझे तो लगता है कि तू ही सच्चा कर्मयोगी है, सबका काम निस्वार्थ भाव से करता है तू, और ऊपर से मीठा हास्य भी देता है। सच, कम बोलता है ना तू इसलिए मीठा हंसता है, भगवान ने तुम्हें यह अनमोल तोहफा दिया है। देखो इंसान को बोलना चाहिए थोड़ा ही मगर बोलना चाहिए। गुरुजी मुझे गांव के नाटक में काम करना है। अरे वाह,
नाटक में काम करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे पर उसके लिए तुझे दत्ता और शंकर के पास जाना पड़ेगा। गुरुजी, आप गए ना? ठीक है, जरूर कहूंगा। अच्छा तू जा, मुझे जरा इस तरफ जाना है। ना, पर हर वक्त पारू भाई करके पुकारने वाली मंजुला भाई को नंदा की माँ पुकारने की कैसे सोची? वजह भी वैसी है, अभी से नंदा की माँ कहना अच्छा है। कल वो बड़ी अमलदार कलेक्टर बन गई तो तुम्हें क्या करके पुकारेंगे लोग? नंदा की माँ ऐसे ही ना? देखो तो कुछ भी तो हुआ नहीं, और मंजुला भाई कहाँ की सोचती है। बाजार में दाल और घर में बीवी का बुरा हाल, गाड़ी करेगी या पतली करेगी, वैसी ही बात। नंदा नजर नहीं आ रही है। गणेश उत्सव में नाटक दिखाने वाले हैं वो सब, उसी चक्कर में है वो। नाटक? हाँ, वो नाटक साक्षरता प्रचार के लिए है। सारी तकरार वड़ी साक्षर करने वाले हैं वो। हे भगवान, बच्चे क्या ठान लेंगे मन में। अब 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 बच्चों की उम्र भी क्या है। मंजुला भाई, शिवाजी महाराज ने स्वराज की शपथ ली तो क्या उम्र थी उनकी? ज्ञानेश्वर माउली ने ज्ञानेश्वरी लिखी तब वे बच्चे ही थे ना। सबको सीखना चाहिए, पर मैं कहती हूँ सीखेंगे कब? दिन भर इतना काम कर करके थक जाते हैं, कब जाके आराम से सो जाते हैं, ऐसा होता है तो फिर ये पेंसिल और किताब लेके बैठेंगे तो कब? नाचने जाने आंगन टेढ़ा कहते हैं ना, वैसा ही है। समय देना ही चाहिए, समय निकालना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, देखती हूँ कैसा होता है। घर को जाते जाते ऐसे ही झांक लिया आपके घर में। अच्छा, जाती हूँ मैं। शंकर! शंकर! चाचा! शंकर! अरे अरे अरे, संभालो, संभाल के। चाचा उठो, यहाँ बैठो। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मैं बेसहारा हुआ, बर्बाद हुआ। अरे पर चाचा क्या हुआ ये तो बताओ ना। मैं बेसहारा हुआ रे, तेरा दोस्त गया। ऐसे कैसे हुआ? किसको पता। मगर ये सब ऐसे अचानक कैसे हुआ? किसको पता। कहाँ, मुंबई में हुआ? किसको पता। अरे पर तुम्हें कैसे समझा? मैं खेत पर गया था, वहां बीमा तार लेकर आया। अरे तार कैसी, मेरे बर्बादी लेकर आया रे वो। अरे पर तार में क्या लिखा है? अरे तार में क्या अच्छी खबर होती है। अभी तार में क्या खबर है ये न समझ देखो भाई, क्या पुत्तू आदमी हो। अच्छा अच्छा, वो तार कहाँ है वो तो दिखा। क्यों रे, हंस क्यों रहा है? अरे हंसू नहीं तो क्या, रो पड़ू मैं तुम्हारी तरह? मतलब शंकर, ऐसी पहली मत पूछा। तार में क्या लिखा है वो तो बता। अब तार में क्या लिखा है अगर तुझे मालूम नहीं था तो फिर रो क्यों रहा था? तार देखकर कौन नहीं रोएगा, तार क्या कोई ऐसे ही भेजता है कुछ हुए बिना? चाचा तेरे जैसे अनपढ़ लोग कभी सुधरेंगे ही नहीं। अरे तार क्या सिर्फ बुरा हुआ तो ही लिखते हैं क्या? अरे अच्छा हुआ तो भी तार लिखते हैं ना। अच्छा हुआ वो कैसे? अब यही देखो ना, तार में लिखा है कि उत्तम को बैंक में नौकरी मिली है। बैंक में नौकरी मिली? हाँ। अरे पर ऐसी खबर तार से क्यों भेजी उसने? चिट्ठी नहीं लिख सकता था, ऐसी खबर कोई तार से भेजता है क्या? अरे चाचा, इतनी कोशिशों के बाद उसे बैंक में नौकरी मिली है कि नहीं? हाँ। तो उसे भी ये खबर आपको कब सुना ऐसा हुआ होगा, और इसीलिए उसने तार भेजी होगी। अरे 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 अरे, और मैं क्या समझ बैठा, मेरे उत्तम ने कितनी खुशी से तार भेजी होगी, और मैंने क्या समझा, कितना गलत सोचा मैंने उत्तम के बारे में।
भगवान भगवान मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मैं चांडाल हूँ भगवान, मैं चांडाल, मैं चांडाल हूँ, मैं चांडाल हूँ। चाचा चाचा तुम पढ़ाई के हमेशा बुराई करते थे ना, अब देखा ना इस पढ़ाई की वजह से ही तुम्हारे उत्तम को बैंक में नौकरी मिली के नहीं। सच है बाबा तेरा कहना, सच है, सच है तेरा कहना, गुरुजी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, गुरुजी की वजह से ही सब कुछ हुआ है, गुरुजी की वजह से हुआ है सब। अरे गणेश जी का कह, गणेश जी का, अरे से बोलती क्यों है, घोट दे उसे। हाँ? अरे बाप रे, कर शुरू। ए माँ, अब तो इसे बार बार जाएगी तो फिर कैसे सीखेगी तू? तेरे सिखरे की वजह से मेरी दाल जल गई। ये देख माँ, जितने दिन मुझे छुट्टी है तब तक तुझे तेरा नाम लिखना आना चाहिए, देख। अरे पढ़ लिखी क्या मास्टर नहीं होना है मुझे? अरे माँ, ऐसा होता तो सब सीखी हुई औरतें मास्टर नहीं बन जाती। हम सीखते है वो किस लिए? अपने प्रगति के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। अरे अपने शंकर और नंदा दोनों ने तो अपने गाँव को 5 साल के अंदर साक्षर करना ठान लिया है। अरे महात्मा गांधी कहते थे, समाज सुधारना है तो पहले हमें अपना घर सुधारना चाहिए, और इसीलिए मैं तुझे सिखा के शुरुआत कर रहा हूँ। अरे तेरी वजह से गांव के और 4 लोग सीखने आएंगे। उई माँ, अब लगता है चावल जल गए। क्यों भीमा, नाटक देखने आया है क्या? नहीं दत्तादा, मुझे नाटक में काम करना है। अरे ऐसा हाँ ना करके तू नाटक में कैसा काम करेगा रे? शंकर, तू कहेगा वैसा बोलूंगा मैं, मुझे नाटक में काम दे। देंगे देंगे, नाटक में काम देंगे, हाँ दे देंगे। भीमा, तुझे नाटक में काम करना है ना? हाँ। तो मैं कहूंगा वैसे तुझे करना होगा। आ नाटक में काम, यहाँ यहाँ बोल। दुशासन, तूने जिस हाथ से द्रौपदी का वस्त्र हरण किया वही हाथ मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। बोल बोल बोल। दुशासन, जो हाथ द्रौपदी का वस्त्र हरण, वो हाथ मैं उखाड़ दूंगा। चलेगा चलेगा, पर अब तुम्हारा भीम कैंसल, अब भीम कैंसल। अब तो तू, अब तो अर्जुन। अरे मैं अर्जुन? नहीं, अब ये अर्जुन, तू भीम। मैं भीम? तू भीम। ठीक है, अर्जुन कोई बात नहीं। हाँ, डायलॉग। अब अगला डायलॉग, दादा सिर्फ ऑर्डर दे देना, इस धनुष बाण से सब कौरवों को चलनी चलनी कर दूंगा। क्या डायलॉग है, क्या डायलॉग है, वाह वाह, बोल। दादा सिर्फ तू हाँ बोल। ये क्या, ये धनुष से दुर्योधन को छलनी छलनी कर दूंगा। वाह 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 भीमा, वाह वाह भीमा, क्या एक्टिंग है तेरी, क्या एक्टिंग है तेरी। छाता रख, छाता रख, छाता बनकर। क्या एक्टिंग है तेरी, क्या एक्टिंग है तेरी। वाह दादा, दादा मुझे नाटक में काम देगा ना? देगा ना, दिया। डायलॉग दे, डायलॉग दे नंदा। दादा इसमें तो लिखा है। तुझे लिखना पढ़ना नहीं आता तो फिर नाटक में कैसे काम करेगा?
दादा प्रतुजे है उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब मैंने क्या कहा? अरे लिखना पढ़ना नहीं आया तो नाटक में कैसे काम करेगा वो? अरे हाँ, मगर इस तरह से उसे बोलने की क्या जरूरत थी तुमको? ये देख ये अब बहुत हुआ, तुम लोग मुझे ही दोषी ठहराने लगे। अरे इसकी शुरुआत किसने की थी? ये देखो, अब तुम झगड़ो मत, हुआ तो हुआ पर इससे भी हमें सबक सीखना है। उसे उसकी कमजोरी बताए बिना ही उसे लिखा पढ़ाकर साक्षर करना चाहिए, इसमें है मर्दानगी। हाँ मुझे भी वही कहना है। नहीं मजाक करके एक बार ठीक है, अरे पर ऐसे लोगों को सुधारने के लिए हमें भी ताकत होनी चाहिए ना। अरे मगर उसी के लिए तो हम नाटक कर रहे थे ना। हाँ बराबर, अब एक गलती के लिए हमें दूसरी गलती नहीं करनी है। चलो तो फिर से शुरुआत। चलो 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 चलो। हिंदुओं को नमस्ते, मुसलमान भाइयों को सलाम, और क्रिश्चियनों को गुड मॉर्निंग। बाबूराव भागा भाई दूर जाके खड़ी क्यों है? अब वो उसी से पूछो, मैं उससे बात नहीं करता। भागा भाई, बंदर भी मियां बीबी होने के बाद झगड़ते हैं। झगड़ूंगी मैं। भागा भाई तू क्यों झगड़ेगी? इंसान नहीं झगड़ते। मंजू भाई को पूछो। मैं नहीं पूछूंगा। अरे चुपचाप तमाशा देखो ना। इंसान झगड़ते हैं क्योंकि वो उनका जन्मसिद्ध हक है। अरे तकरारवाड़ी के गांव वालों का वो गांव सिद्ध हक है। आदमी ने शिक्षण में बहुत तरक्की की है, तब से वो आगे आगे ही चला जा रहा है। अब तो वो चांद पर मंगल पर भी जाना चाहता है। जाने दो, उतनी यहाँ की भीड़ कम होगी तो फिर हमारा क्या होगा? तुम्हारा यानी? अब ये बाबूराव, इसे लिखना आता नहीं, पढ़ना आता नहीं, और उसे उसकी चिंता भी नहीं है। मुझे चिंता नहीं, मुझे बहुत चिंता है, पर मैं क्या करूं? अरे आदमी सरी का आदमी होके कहता है मैं क्या करूं? यही है तेरी मर्दानगी? यही है मर्दानगी? अरे मर्द इंसान में होते हैं, मैं बंदर हूँ। अब यही है तेरी बंदरगी? अब बताओ, जिस पति की प्रगति रुकी है उसके साथ रहना किसे अच्छा लगेगा? तो फिर तू कहना क्या चाहती है? ये सीख गया तो इंसान बनेगा। भागा भाई, सब बंदर पढ़ के साक्षर हुए तो बंदरों की संख्या कम नहीं होगी? कैसे होगी, अनपढ़ गवार लोग आएंगे ना हमारे साथ। हाँ पर मेरा पढ़ने को मन नहीं करता। तो फिर मत कर, मुझे पढ़ना है, मुझे रोकना नहीं है तुम। यानी पत्नी पढ़ी लिखी और पति अनपढ़, नहीं चलेगा। तो क्या हुआ, पति निकम्मा हो तो पत्नी ने हिम्मत हार के बैठना चाहिए? अरे 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 अरे, अरे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सोच ले, नहीं तो तू भी बंदर होगा वापस। वो कैसे? जो हिस्सा इस्तेमाल करते नहीं वो निकम्मा हो जाता है। जिन बंदरों ने अपने दुम का इस्तेमाल नहीं किया वो इंसान हुए, उनकी दुम झड़ गई। अगर ऐसा है तो मैं भी दुम का इस्तेमाल नहीं करूंगा। दुम का इस्तेमाल छोड़ना ये पहला काम, और दिमाग का इस्तेमाल करना ये दूसरा काम, ये मत भूलो। ठीक है तो और क्या करूं? शाबाश भागा भाई, जिंदाबाद। ओ बंदर वाले, आप पूछिए ना। भागा भाई, बाबूराव, अब तुम झगड़ा नहीं करेंगे? नहीं। फिर अब क्या करेंगे? दिमाग लड़ाएंगे। यानी क्या करेंगे? पढ़ना, खूब सोचना, नई नई खोज लगाना। अच्छा अच्छा, शाबाश। और क्या करेंगे? हाथ में कलम पकड़ेंगे तो लिख सकेंगे, और बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे तो गांव का कल्याण हो जाएगा। और तकरार की वजह ही नहीं रहेगी। शाबाश, यानी बॉम्बे का मुंबई और मद्रास का चेन्नई हुआ, वैसे तकरारवाड़ी का नाम बदल के दूसरा रखेंगे। क्या रखेंगे? वो तो सरपंच ही रखेंगे, वो ही सोच लेंगे नाम के बारे में। दीजिए गुरुजी, अब मैं खोद देता हूँ। आप अभी थक गए होंगे, आप बैठिए। अरे रहने दे रे, मैं तो थका नहीं अभी। मुझे लगता है यहाँ एक पत्थर है, सलिए अंदर नहीं जाती। अरे अरे गुरुजी, आप थकेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अभी तो आपको बहुत कुछ करना बाकी है।
अरे इच्छा तो मेरी भी है, पर कभी कभी गांव वालों का बर्ताव देख के लगता है कि ये कभी नहीं समझेंगे इसमें क्या मजा होती है। तुम्हें बताओ शंकर, अपने शरीर की भी एक प्रवृत्ति होती है, जब तक चलाते हैं तब तक चलती है, पर आराम की वजह से शरीर के हलचल बंद की ना, फिर वो निकम्य होती है। सही कहा गुरुजी, जब हम कसरत करते हैं ना तब अपना शरीर कैसे एकदम तंदुरुस्त रहता है, और कसरत बंद की तो बदन में दर्द होने लगता है। अरे वही समझता नहीं इन लोगों को, ये लोग बुढ़ापा लाद देते हैं खुद के ऊपर। बुढ़ापा क्या चल के नहीं आता है? शंकर एक बात कहूं, कभी कभी बोलने के लिए कोई भी ना हो तो इतना दुख नहीं होता, पर अपना कहना सामने वाला समझता नहीं ना, ये देख के और भी ज्यादा दुख होता है। पर तेरी निष्ठा को मान लिया मैंने। ये देखिए गुरुजी, पत्थर निकल गया। हाँ, अरे देखो देखो, अरे हाथ के कंगन को आईना क्यों? तुझे बताऊं शंकर, क्या निष्ठा होगी ना तो समस्या कितनी भी हो उस पर अमल होगा ही। तेरे नाटक का गांव वालों पर अच्छा असर हुआ है शंकर। वो किस तरह गुरुजी? अरे तेरी वाह वाह कर रहे थे लोग, और तेरी वजह से मेरी भी तारीफ कर रहे थे। ये क्या कहते हो गुरुजी, ये तो आप ही की शिक्षा है ना। शंकर है? तुझे याद है तेरा बचपन का सपना? सब याद है ना गुरुजी, वो मेरे सपने की वजह से तो मैं मेरे कर्तव्य से दूर नहीं भागा। सच है, लोग एक आध घटना को संजोग से घटी घटना या एक मामूली घटना समझ के छोड़ देते हैं, तब वे एक अच्छा मौका हाथ से गंवा देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मगर एक तो सच है गुरुजी। क्या है? अगर हमने किसी बात का गंभीरता से विचार किया हाँ। तो फिर वो अपने फायदे की होती है, ये तो उसका एक अच्छा उदाहरण है ना। हाँ। वाह गुरुजी, आप तो यहाँ है ना, और मैं पूरा गांव ढूंढ रहा था। ऐसा कौन सा इतना काम है, आओ बैठो। काम तो जरा निजी है गुरुजी। गुरुजी मैं चलता हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ। ये तो अपना ही आदमी है, आओ बैठो। काम भी हो गया है। अच्छा ये औजार लेके जाता हूँ। चाचा चलता हूँ। चलो चलो चलो। वो क्या है गुरुजी, कल रात नाटक में जो देखा वो सब सच होता है क्या? क्या दिखाया उस नाटक में? वो क्या कह रहे थे, लिखना पढ़ना नहीं आया तो इंसान वापस बंदर होता है, सच है क्या वो? अरे आप ऐसे हंस क्या रहे हैं गुरुजी, कल रात से मेरी जान जा रही है और आप हंस रहे हैं। अरे फिर पहले क्यों नहीं सुना? कब से कह रहा हूँ तुझे, दो अक्षर सीख ले। पर ये सच है क्या सब? अरे सब कुछ सच है, लेकिन तेरी उम्र है क्या सीखने की? ऐसा क्या कहते हैं, उस दिन आप ही ने तो कहा था कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अरे सच है, मगर क्या फायदा? गुरुजी नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा, अब इस उम्र में ये ऐसे पीछे दुमाना अच्छा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा गुरुजी, वो कल रात से मेरे भेजे का पूरा सत्यानाश हुआ है। अरे अब क्या दुम उगाना बाकी है, वो तो है ही तेरे साथ। हाँ अब तुझे दिखता नहीं तो जाने दो। आपका तो ऐसा ही होता है गुरुजी, आप हमेशा पहेलियां बुझाते हैं, अगर मुझे दुम होती तो मुझे दिखाई पड़ती ना। चलो रास्ते में बोलेंगे हम। हरबा भगवान की पूजा करता है कि नहीं? हाँ तो रोज पूजा करता हूँ भगवान की। पर भगवान को कभी देखा है कि नहीं? अरे नहीं, अब क्या कमाल है, आप तो जैसे मजाक कर रहे हैं। अरे हम क्या ज्ञानेश्वर तुकाराम है क्या भगवान को देखने? फिर भी भगवान को पूछता है? फिर हमारे बाप बूढ़े से चलता आया है वो। अरे ज्ञानेश्वर को तुकाराम को भगवान का साक्षात्कार हुआ ये मानते है ना हम? बिल्कुल मानते है, तो पर उसका यहाँ क्या संबंध है वो बताइए जरा। संबंध है, चल ज्ञानोबा ने तुकाराम ने भगवान की साधना की, इसलिए उनको भगवान दिखाई दिया, हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारी साधना अधूरी। वैसे ही अक्षर की साधना करने वालों को निरक्षर लोगों की दुम दिखाई देती, निरक्षर लोगों को नहीं, क्योंकि अक्षर की तपस्या की नहीं उन्होंने। यानी आपको इस वक्त मेरी
दुम दिखाई दे रही है क्या? दिखाई देती है निरक्षरता की दुम।